गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आपका स्वागत है फिर से नेक ब्लॉग में। तो आपको लेकिन गार्डन ऑफ टूरिज्म फेस्टिवल तो 2024 का जो कि मेला लगने वाला है जो गार्डन ऑफ फाइव साइंस के अंदर लगता है, उसकी टिकट, टाइमिंग, लोकेशन, पार्किंग चार्ज, क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से फूल लगे हो, वो सब आपको दिखाने लगा हूँ। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दो दिन का ही लगा है तो ये आपको दिखाते जानकारी और जल्दी स्टार्ट करते हैं। पार्किंग कुछ सर, ये टू व्हीलर मतलब 3 घंटे के आपके यहाँ से लेंगे 30 रुपये, जो कि आप 3 घंटे से ऊपर हो जाते हो तो आपके 10 रुपये चार्जेस बढ़ने लग जाते हैं पर घंटा। तो टू व्हीलर इधर है, फोर व्हीलर उधर है, जो कि 4 व्हीलर के 50 रुपये चार्जेस है, उसके भी 3 घंटे के 50 रुपये चार्जेस है, कुछ इस तरीके का टिकट कुछ इस तरीके का। बट इधर आप बाहर से घूम सकते हो, जो पेड़ पौधे आपको खरीदने हो, जो कि अलग अलग कंट्री के पेड़ पौधे जो कि आपको यहाँ से मिल जाएंगे और यहाँ से आपकी टिकट के मिल जाएंगे। तो टिकट के प्राइस बता देते आपको चल के। गार्डन के अंदर एंटर करने से पहले पार्किंग कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे गार्डन मिल जाएगा, जो कि आपको छोटा सा थोड़े से एरिया में आपको गार्डन मिल जाएगा घूमने फिरने के, जो कि आपको यहाँ पे फूल परचेस करने के मिलेंगे, गमले कुछ इस तरीके के, जो कि आपको देखने में सुंदर सुंदर से जो कि आपको देखने में मिलेंगे कुछ इस तरीके, ये सब परचेस कर सकते हो आप घर के लिए। बाकी इतना बड़ा गार्डन में आपको फेस्टिवल मिलेगा, उसके बगल में टिकट जो कि आपको देखने में मिलेगा, जो कि यहाँ से आप परचेस कर सकते हो सामान बहुत से, जो क्योंकि आपको फूल पौधे अलग अलग तरह के आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, आपको मतलब तरह तरह की चीज़ देखेगी जो कि आपको यहाँ से परचेस करने को मिलेगी। तो आके आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो कुछ इतने कुछ इस तरीके का, जो कि आपको ऐसे देखने को मिलेगा कुछ देखने को। ओमैक्स का भी यहाँ पे लगा हुआ है, मिसाली कुछ इस तरीके का, आयुर्वेदिक भी है कुछ इस तरीके के सामान भी, जो कि कुछ इस तरीके परचेस कर सकते हो। घर के लिए भी प्रोडक्ट भी है, क्योंकि आप घर के लिए प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको इतने सुंदर सुंदर से, जो कि आपको कुछ तरीके के आपको मिल जाएंगे देखने को, कुछ तरीके छोटे छोटे से बिल्कुल आपको देख नहीं समझ नहीं सकते कुछ किस तरीके के, जो कि उस तरीके। बाकी यहाँ पे फूल पौधे मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के, तो ये देख सकते हो कुछ इस छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे आपको देखने को इस तरीके से परचेस करने के लिए। और बाकी कुछ आगे जाओगे तो इतना बड़े पूरे एरिया में गार्डन में लगा हुआ है पूरा फेस्टिवल, जो कि आपको परचेस करने के लिए सामान यहाँ से मिलेंगे, जो कि आपको घर के लिए परचेस करने के लिए यहाँ पे भी मिल सकते हैं आपको घर के लिए परचेस करने के लिए। बाकी अंदर तो है ही और यहाँ पे भी है परचेस करने के लिए, मतलब दोनों साइड को आपको परचेस करने के लिए मिल जाएगा। तो बाहर भी घूम सकते हो, अंदर भी घूम सकते हो, दोनों साइड। अगर आपको अंदर नहीं आना तो बाहर घूम दो, बट अंदर नहीं घूमे तो बाहर घूमे तो फायदा नहीं कुछ आपका। तो अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह घूम सकते हो। बाकी इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल मिलेंगे, जो कि आपको देख सकते हो, गुलाब के फूल भी फील करके कुछ इस तरीके के आपके फूल होंगे, और जो कि आपको देखने को कुछ इस तरीके नर्सरी टाइप में मान लो, पूरी कुछ इस तरीके नर्सरी टाइप में मान लो, जो कि आपको यहाँ पे घूमने को मिलेगा। बट ये 2 दिन तक है, जो कि आपको मिल जाएगा भी घूमने फिरने के लिए कुछ इस तरीके। खेत भी यहाँ पे, खेत भी मिल जाएगी ऊपर कुछ तरीके के छोटे छोटे पेड़ है, वो बाकी प्रोडक्ट है जो कि फूल भी लगा रखे हैं उनके, उस दौरान यह भी मिलेंगे आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरे में एरिया में लगा हुआ है कुछ इस तरीके। आगे यहाँ पे विजिट कर सकते हो इस तरीके का बैनर है, 26वां गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल। तो आपको बता दिया जाए 16 से 18 फरवरी तक चलना है 2023 तक, सुबह 11 बजे ओपन होगा, रात में 9 बजे 9 PM ऑफ हो जाएगा कुछ इस तरीके का। बाकी जो लोकेशन है साकेत में, इसकी नियर बाय मेट्रो स्टेशन साकेत है कुछ इस तरीके का, जो कि आपको फूल वुल परचेज करने हो तो वो सब खरीदते हो। बाकी एंट्री गेट यहाँ से मिल जाएगा और टिकट काउंटर सामने से। तो क्लास इन बास्केट कुछ इस तरीके के फूल लगे हुए, जो कि आपको भारी प्रोडक्ट इतने दिख जाएंगे, जो कि आपको परचेस करने के लिए कुछ इस तरीके अलग अलग तरह के फूल मिल जाएंगे, जो कि आपको बाहर के साइड इतने सारे फूल मिल जाएंगे, जो कि टिकट काउंटर के बिल्कुल ए टू जेड सामने मिल जाएंगे। इसकी टिकट जो भी मतलब पर पर्सन जो कि 35 रुपये की, जो कि 5 साल से 12 साल तक के बच्चे की उनकी 15 रुपये की टिकट है, और सीनियर सिटीजन जो कि 15 रुपये की टिकट है, और उनकी 10 रुपये की टिकट है, जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है इस तरह की मिलेगी, जो कि 5 रुपये खुले लेके आओ ना 35 रुपये की टिकट है मात्र आपकी, और चिल्ड्रन जाते हो उनकी 15 रुपये। सर आपको एंट्री का मिल जाएगा सामने बोर्ड के अटैच में एंट्री, यहाँ से एंट्री का मिल जाएगा। एंटर करते ही कुछ आपको हिरन मिलेगा कुछ इस तरीके का देखने में आपको, जो कि 1 स्पीड कुछ इस तरीके का, जो कि आपको देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी पूरे प्योर फूल से बने हुआ है, जो कि असली वाले फूल होते हैं उनसे बना हुआ है टिकट। और यहाँ से एंटर करते के साथ ही आपको कुछ इस तरीके की रौनक देखने को मिलेगी आपको एक से, और हिरन देख वो सॉरी मोर देख सकते हो इतना प्यारा, जो कि आपको देखने को मिलेगा इतना बड़ा, जो कि वो सब। और बाकी आप तो जो प्रॉपर जो कि रियल वाले फूल है, जो कि आपको यहाँ पे इस्तेमाल करे हुए दिखेंगे, जो कि आपको ए टू जेड यहाँ पे दिखेंगे। देखो कितने बड़े बड़े, ये सब परचेज करने के लिए लगा रखे, और ये अपनी राम मंदिर का लगा रखा है इतना बढ़िया, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बाकी आपको यहाँ से आगे जाओगे तो आपको फिर यहाँ पे ऊँट दिखेगा आपको देखने में कुछ इस तरीके का, प्यारा सा ऊँट ये देखने को मिलेगा, इतना सुंदर सा नज़ारा कुछ इस तरीके का। और आगे जाओगे तो आपको एक पेंटी टाइम भी मिलेगी आपको इस पर सेल्फी वेल्फी खिंचवाने के लिए। और बाकी यहाँ से जाओगे तो आपको आगरे का पॉइंट मिलेगा कुछ इस तरीके का, जो कि आपको ए टू जेड यहाँ पे दिल्ली वर्ल्ड लोजेंट कुछ इस तरीके का है, जो कि आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ताजमहल की कॉपी जो करी गई थी, और जो कि
MCD के द्वारा जो बनाया जाता है कुछ इस तरीके को, यहाँ पे सेल्फी के लिए आपको ये मिल जाएगा। और बाकी आगे जाओगे तो आपको एक से एक फूल मिलेंगे जो कि आपको देखो मोर देखने को मिलेगा इतना प्यारा, जो कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके को, इस पर सेल्फी, बहुत तरह तरह की चीज़ें अलग अलग। अभी आगे आगे जाओगे तो आपको बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलेगी। और आप यहाँ पे फूल जो है कुछ इस तरीके के प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल लगे हुए जो कि आपको परचेस करने को मिलेंगे इतने सुंदर सुंदर से। और ये देख सकते हो सारे रियल फूल है, ए टू जेड जितने भी आपको दिखा रहे थे सुंदर सुंदर, ये सारे ए टू जेड रियल है जो कि आपको देखने को मिलेंगे और परचेस करने को मिलेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बाहर से ला ला के फूल लगाए गए हैं कुछ इस तरीके के प्यारे प्यारे। और ये भी देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। बाकी आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ से थोड़ा आप आगे से आते हो तो यहाँ पे आपको एक से एक और फूल देखने को मिलेंगे जो कि आपको फूलों की वैरायटियाँ दिखेगी। और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट मिलेगा तितली वाला जो कि आपको खिंचवाने के लिए मिलेगा। और बाकी यहाँ पे आगे जाओगे तो आपको फेस्टिवल हो रहा है तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो छोटा सा प्यारा सा हिरन दिखेगा जो कि आपको कुछ इस तरीके कलर पेंटिंग के साथ बना हुआ मार्टर, ये लोहे का है कुछ इस तरीके का जो कि आपको दिखेगा बना हुआ। और बाकी यहाँ से जाओगे तो आपको सारे में ए टू जेड फूल ही फूल मिलेंगे जो कि आपको फूड काउंटर इधर की साइड पड़ेगा आपके, फूड काउंटर है कुछ इस तरीके का, फूड काउंटर इधर पड़ जाएगा। इधर आपको इतना प्यारा प्यारा मोर देखने को मिलेगा बड़ा सा कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे आपको एक से एक फूल देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर तो ये है कि यहाँ पे फूलों की वैरायटी ज़्यादा है जो कि आपको फूल देखने को मिलेंगे पूरे चारों ओर में, फूल ही फूल और हर जगह का फूल मिलेगा यहाँ पे, हर देश का फूल ला के लगाया गया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि अपने मुगल गार्डन है तो वहाँ से रिलेटेड ये फेस्टिवल हो रहा है, तो ये दो दिन का ही होता है, 16-18 तक है ये फेस्टिवल, 16-19, तो ये दो दिन में आप घूम सकते हो, आके एंजॉय कर सकते हो। तो आओ, बहुत मात्र बढ़िया जगह है और मात्र इसकी 35 रुपये की टिकट है और चिल्ड्रन साथ उनकी 15 रुपये की टिकट है, तो आके एंजॉय कर सकते हो। चलो आपको और दिखाते हैं कुछ इस तरीके के छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल हैं जो कि और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके के, जो कि आपको हर जगह में Class 2nd C1 कुछ इस तरीके से लगता है, सेकेंड मतलब क्लास के अनुसार फूल लगे हुए कुछ इस तरीके का, जो कि आपको हीरो ये कुछ गवर्नमेंट का कुछ इस तरीके का हीरो ये पढ़ सकते हो आप कुछ तरीके का। बाकी आगे जाओगे तो आपको इतने इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल मिलेंगे जो कि रात का टाइम जो होगा लाइटिंग देखने का भाई वो भाई बहुत बढ़िया होगा जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ से आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे आपको इवेंट हो रहा है, वो आपको इवेंट देखने को मिलेगा, तो इवेंट दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हो भगवानों की मूर्ति लगा रखी है, उनमें फाउंटेन लगा रखे कुछ इतने छोटे छोटे जो कि आपको ये सब भी देखने को मिलेंगे, जो कि पूरे पर्वत जैसे बना रखे आपको देखने को कुछ इस तरीके के छोटे छोटे, लेकिन मंदिर टाइप में भगवानों के होते हैं तो वो सब वैसा बना रखा कुछ इस तरीके का, जो कि आपको ये सब देखने को मिलेंगे। देखो इतना प्यारा प्यार तो इस तरीके का। और ये वाला देख सकते हो फाउंटेन बह रहा है ऊपर से कुछ इस तरीके का, इतना छोटा सा इतना प्यारा लग रहा है। और ये देख सकते हो गार्डन टाइप में बना रखा, कार एरिया फ्रंट कुछ इस तरीके का बना रखा जो कि आपको देखने को मिलेगा। देखो फाउंटेन जब पानी बह रहा है वो सब आपको देखने को मिलेगा। और शिव जी की इतनी प्यारी मूर्ति मिलेगी जो कि आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हो ये भी बहुत बढ़िया है, गार्डन टाइप में बना रखा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ये भी आप आके एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। तो आप यहाँ से आगे जाओगे तो आपको सामने इवेंट होता हो दिखेगा, तो इवेंट में चलते हो। इवेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे इतने वंडरफुल प्यारे प्यारे आपको फूल देखने को मिलेंगे जो कि आपको मज़ा ही आ जाएगा देखो देख के, जो कि मुगल गार्डन इतनी पास नहीं जा पाते आप, लेकिन यहाँ पे आप पास तक जा पाओगे, बट इसका भी स्क्रॉल लगा रखे इसके पार नहीं जाना, बट आपको देख सकते हो इतनी दूर से तो देख सकते हो। मुगल गार्डन में तो आपको वो भी नहीं देख सकते, बट यहाँ पे तो इतने पास से देख पाओगे कि आपको हर तरह का फूल देखने को मिलेगा सेल्फी खिंचवाने के लिए, बट अटैच होने के लिए मना कर रखा है यहाँ पे, तो ये अपना ध्यान रखना है यहाँ पे। और बाकी यहाँ से आप आगे जाओगे तो ये सब देखोगे, इतने प्यारे प्यारे गुलदस्ते आपको इतने प्यारे प्यारे परचेज करने को मिलेंगे, आपको सेल के लिए लगा रखे हैं सब, अगर आपको खरीदने तो आप खरीद सकते हैं कुछ इतने प्यारे प्यारे। और बाकी आपको गेंदे के फूल भी मिलेंगे कुछ इस तरीके के, जो कि आपको देखने को मिलेंगे गेंदे के फूल इतने प्यारे प्यारे, जो कि आपको पूरे ए टू जेड जो है ना फूल ही फूल की वैरायटियाँ दिखेगी जो कि यहाँ पे आपको दिखेगी। और बाकी ये तो फाउंटेन है, ये तो बट अभी बंद है, इवेंट हो रहा है चक्कर में, बाकी सामने फेस्टिवल हो रहा था वो दिखाते हैं। और बाकी कुछ इस तरीके के छोटे छोटे फूल हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके के फूल भी आपको कुछ इस तरीके के पेड़ भी परचेस करने को मिलेंगे जो कि आपको बाहर कंट्री से ला के जो लगाए गए हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके, ये पढ़ सकते हो आप कुछ इस तरीके के, जो कि आपको ये देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके के, जो कि इसकी जो प्रॉपर फिनिशिंग देख रहे हो बनाने की, मतलब बाहर से लगा के तो इसमें लगा के ये सेल करके लगे कुछ इस तरह के लगा रखे आपको कुछ आपको देखने को मिलेंगे कुछ, क्योंकि ये पेड़ इंडिया के अंदर है नहीं, बट यहाँ पे लगा के आप सब लोगों को दिखाने की ऐसे ऐसे पेड़ भी होते हैं जो कि आपको देखने को। और याला पेड़ देख सकते हो तो आप याला पेड़ इतने खतरनाक है वाला जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये जी कांटे है ए टू जेड इसके, इतने खतरनाक कांटे जो कि कांटे से चुभ रहा है, मेरे को भी डर लग रहा है इसको छूने में। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे फूल देखने को मिलेंगे, परचेस करने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे एक से एक है। और ये पढ़ सकते हो आप ए टू जेड पूरे जोनसी कुछ पढ़ सकते हो कुछ इस तरीके का। बाकी आप यहाँ से आगे जाओगे तो आपको इतने प्यारे प्यारे फूल देखने को मिलेंगे, ये भी ये सब आप परचेस करने के लिए घर के लिए गार्डन टाइप में एरिया में लगाने के लिए बहुत बढ़िया है फूल, तो आपको इस तरीके का आपको देखने को मिलेंगे।
ओके फूल के परचेज करके सामान देख के और यहाँ से आप आगे होगे तो आपको आपके इवेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे प्यारा सा। हम तो गम चाहते हैं और खुशी इन्हें देना जिसे हम चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अभी बहुत खूबसूरत गीत लेकर मैं भी नवदीप आपके बीच में आ रहे हैं। नवदीप देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये अंजु गोयल जी हैं। एक तरफा हो तो सजा देता है इश्क, एक तरफा हो तो सजा देता है और इश्क दोनों तरफ से हो तो मजा देता है। तो ऐसे ही बना रहना चाहिए हमारे साथ। तो नवदीप बहुत सुंदर आवाज लेकर आपके बीच, एक बार जोरदार ताली के बीच नवदीप। मैं करूं रो देती है क्यों मीठी नजर, मुझे ओ देती है क्यों तेरी हार तेरी शर्म, तेरे कसम मेरे होश ये दाई शाम मस्तानी मधु हो ये दाई मुझे डोर कोई खींचे तेरी और ये दाई। तो आप आगे आओगे तो यहाँ पे एक से फूल देखने को, देखो अंकल जी ने परचेस कर रखे हैं यहाँ पे से फूल, देखो कुछ इस तरीके के, तो आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो कुछ इस तरीके। बाकी यहाँ से कुछ इस तरीके के आपको सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे और ज्यादा, और सामने आपको फेस्टिवल देखने को मिलेगा जो कि मैंने अभी दिखाया आपको कुछ इस तरीके का। तो कुछ इस तरीके के फूल है जो कि आपको देखने को मिलेंगे हर जगह के, तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो आप सब लोग। इतना प्यारा आपको फाउंटेन देखने को मिलेगा जो कि आपको प्यारा सा भोले शंकर जी का आपको ये देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का सुंदर सा नज़ारे में। और यहाँ पे देखने का मिलेगा आपको फिशों का कुछ इस तरीके का, बट इसके अंदर फिश है नहीं, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको आर्टिफिशियल के लिए, ये सब सील के लिए लगाए गए हुए हैं यहाँ पे ए टू जेड जो है ना। तो कुछ ये भी फाउंटेन है जो कि आप इसमें मछलियाँ रख सकते हो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी, जो कि आपकी पसंद की मछलियाँ होगी तो वो सब यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे पूरे में जो है आपको आज के दिन मेला लगा हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके का पूरे चारों ओर गार्डन में, जो कि आपको कुछ इस तरीके का आपको 36वां मेला दिखेगा यहाँ पे गार्डन ऑफ फाइव सन्स में लगा हुआ, तो कुछ इस तरीके आप इन्जॉय कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे सामने भी फूल परचेज के लिए आपको जगह दी गई हो, उसमें भी आप फूल परचेज कर सकते हो। बाकी कुछ इस तरीके के फूल है जो कि आपको छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस तरीके का, जो कि आपको इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे फाउंटेन के अंदर फूल लगे हुए नहीं मिलेंगे, कुछ इस तरीके मटके टाइप में, जो कि पूरा प्रॉपर ये कंच के है जो इनके अंदर लगा रखे फूल कुछ इस तरीके का, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपके खेत वेच होती है वो भी इसके अंदर लगी डली हुई मिलेगी आत्मा आपको। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे प्यारे प्यारे इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए कुछ इस तरीके के। और बाकी यहाँ से अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे परचेस करने के लिए फूल मिलेंगे बहुत से अलग अलग देश के, क्योंकि आपको यहाँ से सामान परचेस करने को मिलेगा। ये भी आप देख सकते हो, कृपया जनता है क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ही आप पढ़ सकते हो पूरे ए टू जेड, ये कुछ इस तरीके का फूल है। तो बाकी आप आगे जाओगे तो यहाँ से आपको हर अलग अलग तरीके का फूल देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, जो कि आप ये देख सकते हो ए टू जेड पूरे नीचे पूछे नीचे से फिनिशिंग लेके ऊपर तक कुछ फूल है, क्योंकि आपको यहाँ पे सामने भी टी शर्ट परचेस करने के लिए मिलेगी जगह जगह में, क्योंकि आप ये स्कूल का तरीका स्कूल जिस तरीके का है। बाकी आपको यहाँ पूरे में जो है ना पूरे में फेस्टिवल लगा हुआ मिलेगा आपको, जो कि इस तरीके का, जो कि आपको सामने ये भी परचेस करने को मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको परचेस करने को मिलेगी। और बाकी यहाँ पे सामने से आप देखोगे तो ज़्यादाकर मैंने ये नोटिस करा है यहाँ पे ज़्यादाकर ये हुआ है फूल की है, फूल की वैरायटी है। खाना पीने का काउंटर जो बता रहे हो तो नॉर्मल एक दो काउंटर मिलेंगे खाने पीने के, कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बाकी फूल की वैरायटी यहाँ पे एक से एक मिल जाएगी, जो कि आपको परचेस करने के लिए मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के। तो आके आप सब विजिट करो, बहुत प्यारी लोकेशन है। तो बाकी कुछ इस तरीके के छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल हैं सुंदर सुंदर, जो कि गुलदस्ते टाइप में, जो कि आप घर में भी लगा सकते हो, छोटे छोटे से गुलदस्ते टाइप में लगा रखे कुछ तरीके के, जो कि 2024 के है कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है ये किसकी कुछ तरीके की, जो कि आप ये देख सकते हो। नहीं, कुछ इस तरीके एक दो काउंटर जो कि यहाँ पे कुछ अवेलेबल मिलेंगे आपको थोड़ी बहुत देर में, जो कि मतलब टाइम लगता है 12-1 बजे तक यहाँ पे काउंटर अवेलेबल हो जाते हैं कुछ इस तरीके का, तो आके विजिट कर सकते हो। लास्ट दिन है कल, तो आके यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो आप। बाकी आपको सामने गार्डन मिल जाएंगे, तो गार्डन एक आपको खासियत बताऊं कि यहाँ पे अगर आप 35 रुपये की टिकट लेते हो तो आप यहाँ पे अंदर गार्डन वार्डन सब कुछ घूम सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो, गार्डन और फेस्टिवल दोनों एंजॉय कर सकते हो। फेस्टिवल बट ज़्यादा दिन का नहीं है, 2 दिन का है, तो 2 दिन में आप
फेस्टिवल घूमो या फेस्टिवल घूम लियो तो आप गार्डन भी घूम सकते हो अंदर। आप गार्डन भी कुछ तरीके का गार्डन भी आप फाइव स्टार की तरह कुछ बढ़िया गार्डन है, कपलों के लिए बहुत बढ़िया गार्डन है, तो आप कपल आके भी यहाँ पे घूम सकते हो दोनों चीज़, तो आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं और कुछ दिखाते हैं आपको जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे। करिए गार्डन की, गार्डन कुछ तरीके गार्डन का रास्ता ये जा रहा है सामने, बट मैंने गार्डन का ब्लॉग दे रखा है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो गार्डन का ब्लॉग भी दे सकते हो आप अंदर से। बट बाकी आपको फेस्टिवल इन्जॉय कराना है तो आपको फेस्टिवल इन्जॉय कराता हूँ। बाकी कुछ तरीके नज़ारा होगा जो कि आपको, अब फाउंटेन भी ऑन हो गए तो फाउंटेन भी दिखा देते हैं आपको। कुछ इस तरीके छोटे छोटे प्यारे प्यारे से फाउंटेन ऑन हो गए, तो आप ये फाउंटेन के मजे ले सकते हो, यहाँ पे सेल्फी वेल्फी खिंचवा सकते हो फाउंटेन के साथ। कुछ इस तरीके के प्यारे प्यारे फाउंटेन देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ इस तरीके गार्डन ऑफ फाइव सेंस में, कुछ इस तरीके फेस्टिवल के संग आप फाउंटेन के भी मजे ले सकते हो यहाँ पे आके इन्जॉय। सेल्फी पॉइंट, आपको वीडियो रील्स कुछ भी बनानी हो तो आप आके इन्जॉय कर सकते हो। कुछ इस तरीके प्यारे प्यारे फाउंटेन देख सकते हो, आपको पास ले आके दिखाते हैं कुछ तरीके को। ये देखो कुछ इस तरीके के मज़ेदार फाउंटेन मिलेंगे आपको जो कि एंजॉय करने में मिलेंगे आपको फाउंटेन कुछ इस तरीके के। तो कुछ इस तरीके था गार्डन ऑफ टूरिज्म फेस्टिवल जो कि मैंने आपको कवर कराया, ए टू जेड टिकट टाइमिंग लोकेशन पार्किंग सब बताई। तो कुछ उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो आप यहाँ पे आके कवर कर सकते हो। मैं करता हूँ कि ब्लॉग को यहाँ पे समाप्त, जो कि आप मैंने सबको सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करा दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वेटिंग फॉर न्यू ब्लॉग, मिलते जल्दी नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।